पुलाव बना रही हूँ क्योंकि चावल बस यही बचा है अब क्योंकि डब्बे सारे डब्बे खाली हो गए क्योंकि मैं न्यू ग्रॉसरी आनी है। ये देखो आटे का भी खाली, सारे डब्बे खाली हो गए, आटे और चावल का तो खाली हो गया, दालें रखी हैं, सारी मसाले भी हैं, बट ये जो मेन चीजें हैं वो खाली है। अब हम क्या खाएंगे? चावल तो अभी चावल झोंक लेते हैं फिर लेके थोड़ी देर में बेटे चावल छोक के फिर सफाई वगैरह भी करेंगे। और आज वो आने वाले थे कलर वाले बेटा से, तो है ना पेंटर कौन कहते हैं उनको, क्या कहते हैं पेंटर वो भैया आ जाएंगे तो सारा उथल पुथल होना ही है। तो फिर मेरा काम करने का भी मन नहीं हो रहा कि यार सारा बिखरना है, तो 3 दिन के करीब लगेंगे। पहले ही लू करूँ और प्लस ये लेट बाथ होंगे, फिर ये जो गैलरी टाइप है वो और किचन होगी, और लास्ट में ये रूम होगा। तो ऐसे करके फैलना ही है, फिर उसको सेट करना है, तो बहुत ज़्यादा हाँ उथल पुथल मचेगी। तो मैं कुछ भी साफ सफाई ज़्यादा नहीं कर रही क्योंकि कल से बहुत गंदा हो जाने वाला है। फिर उसको साफ, वैसे मैं हर जब भी कलर होता है मैं साफ करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी मिट्टी मिट्टी सी मुझे फील होती है। देखते हैं, चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। तो चलो चावल तो बन गए हैं, जब खाएंगे तब खा लेंगे, अभी कर लेंगे बर्तन साफ और फिर मुझे सुखाने हैं कपड़े, तो ये काम करते हैं। चलो चाल पिछली रात जो मैं तैयार हुई थी वो फैला था ना, उसको समेट रही थी, हर चीज़ को ना जगह पे रखना था इसलिए, और ना इधर उधर ड्रेसिंग टेबल बहुत ज़्यादा बिखर जाती है, तो फिर वो डाला था सब कुछ। और उसके बाद बस बैठेंगे आराम से, ग्रॉसरी की लिस्ट भी बनानी थी तो वही काम करना था। और इस बार मुझे बहुत आलस आ रहा है, 3-4 दिन से सोच रही हूँ मैं लिख दूँ लिस्ट इनको दे दूँ, फिर नहीं कर पा रही हूँ। फ्रेंड्स अभी हम बैठ गए, सारा काम हो गया, तो हम यहाँ बैठ गए गेट पे आके, अच्छा लगता है ना कई कई बार, बहुत टाइम बाद बैठे हैं। तो अभी 2 बज गए,
मुझे इस बार बहुत आलस आ रहा है ग्रॉसरी लिस्ट लिखने में भी। हमें पता है सब देख लिया कि ये नहीं है, दालें वाले सब हैं और राजमा भी हैं, चने भी हैं, सब है, लेकिन आटा और चावल लेने और कुछ रिलायंस वाला इसका वाला सामान ख़त्म हो गया। तो जाना है अभी, इनको काम है तो थोड़ा बहुत वो कर लें फिर शाम को लाएंगे। लेकिन इतना आलस रहा कि यूँ लग रहा लिखूँ भी नहीं ग्रॉसरी को, तो बस यहाँ पर बैठ गई हूँ और लिखूँगी अब ग्रॉसरी गणेश जी का नाम लिख के, और बस देखते हैं क्या होता है, बाकी तो कुछ पता नहीं। और आज अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठना, कुछ कुछ पिछली यादें आ रही हैं दशहरे और की। लास्ट ईयर तो मैं इस टाइम पे खूब शॉपिंग की थी, मेरे भाई की शादी थी ना, इतनी शॉपिंग करते थे अपन, बहुत करते थे दिन भर मार्केट, क्योंकि इनको टाइम नहीं होता था, ये 10 बजे तक जाते थे तो इस टाइम पे हम तैयार हो जाते थे, फिर ये बीच में 1-2 घंटे के लिए आते थे ना, उस टाइम पे भी हम मार्केट जाया करते थे और जो भी शनि रवि मिलता था उसमें मार्केट जाया करते, और फिर दशहरे में भी उधर ही थे उसकी तैयारी करवाने के लिए। फिक्स 1 महीने बाद उनकी शादी थी, 8 तारीख का दशहरा था और फिक्स 8 को शादी थी, तो 1 महीना था और मेरी हमारी कोई तैयारी नहीं हुई थी उसकी करवाने के चक्कर में। और एंड टाइम तक मेरे को ना रिसेप्शन पे ना वो गाउन पहना था, वो हैवी वाला, वो नहीं होता है परी हो जैसा और उस टाइप का, लेकिन फिर एंड टाइम पे लाऊं करते करते फिर लहंगा ही ले लिया मैंने दूसरा भी, वरना मेरी वो इच्छा थी कि अलग ही मेकअप करूँगी, फिर जो सोचते वो होता नहीं है। तो इतना मज़ा आया था शादी में, इतनी शॉपिंग करते थे, महिला संगीत के गिफ्ट्स लाना कभी, क्योंकि हमने भी महिला संगीत किया था तो यहीं से सारे मैं लेडीज़ के लिए गिफ्ट और लेके गई थी बहुत रीज़नेबल प्राइस में, तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है भाई के शादी की और इतना मज़ा आता है ना। अब तो कोई शादी नहीं बची, पहले उस मेरे भाई की शादी के पहले मेरे मामा है ना उसके उनके लड़के की थी, तो उसका क्रेज़ था हमको क्योंकि बारात जानी थी गंगानगर, तो वहाँ पे भी इतना अच्छा लगता था ना, तो मतलब जब दो लड़कों की शादी हो ना घर में तो बहुत मज़ा आता है। अब तो थोड़ा थोड़ा दिवाली और दशहरा का फीलिंग आ रही है, लेकिन अब मनेंगे ही नहीं, ग्राउंड में रावण नहीं लगेगा कुछ नहीं तो क्या होगा यार, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और बीकानेर में कितना अच्छा, लास्ट ईयर तो बहुत ही अच्छा लगा, पूरी जगह मिल रही थी, हम आगे बैठ गए थे स्टेडियम में मेडिकल ग्राउंड में, और वो व्लॉग भी डाला हुआ है, अपन पिछला व्लॉग देखेंगे ठीक है, उससे यादें आ जाएंगी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ ऐसे कोई है ही नहीं कि भाई वो क्रेज़ वाला तो बना के खूब ऐसा करें, हमारे वहाँ ना सबको क्रेज़ है तो बनाते हैं और सब करते हैं। इधर सोसाइटी थोड़ी सूनी सूनी क्या करें, मतलब इतना भी क्रेज़ नहीं लेता कोई भी, और वहाँ सब चिल वही होती रहती है उधर तो। जैसे अभी मोदी जी ने कुछ टास्क दिए थे वो भी बहुत मजे, अभी हुए होंगे लेकिन वहाँ इतना मतलब होते हर जगह ही है, लेकिन वहाँ तो पता नहीं क्या हो गया था, है ना, मज़ा आ गया था बिल्कुल, दिवाली मन गई थी। तो ऐसे ही वहाँ सारे त्यौहार पे ना हर कोई हर बंदा ही ऐसा है कि बहुत क्रेज से मनाता है हर साल, तो कलर करवाना और खुद से ही गेट और सब कलर करते रहते हैं वहाँ कॉलोनी वाले, और बहुत अच्छा लगता था। और ना फिर दिवाली होती थी ना उसकी शाम तक ना कॉलोनी के सब बच्चे और हम लोग भी अपनी एक चौकी बनी हुई होती थी तो वहाँ पर रंगोली शाम तक बनाते रहते थे दिवाली के लिए। हाँ जब बचपन नहीं जब बड़े थे कॉलेज और जाते थे तब भी, जब तक दिवाली नहीं आती थी ना तब तक कोई गेट पे कलर कर रहा होता था, तब कोई हम लोग जैसे सोफ़ा बैग बना रहे होते, कभी कुछ कर रहे होते, ऐसे कर रहे होते थे बहुत ही क्रेज से, सच्ची में मेरे याद आती है ये, जब भी मैं कोई दुखी वाली होती तो कहूँ चलो यार ग्रॉसरी लिस्ट बनाऊँ, 4 मिनट तक बकबक करती जा रही हूँ मैं, आज मैं फालतू के मूड में हूँ, आलस के मूड में थी और आलसी दिन हो गए, उस तरफ का दिखाऊँ कपड़े मेरे उड़ गए, उधर का दिखाऊँ अभी कैसी धूप हो रही। ये देखो बाहर का मैं कह रही थी ना आपको दिखाती हूँ, तो ये देखो इस तरीके से बस 2 बजे इस तरीके से लगता है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे छांव आ जाती है, कपड़े गिर गए मेरे, सुखाए कपड़ों की पिन भी लानी है और बस फिर ग्रॉसरी लिखूँगी। इस बार थोड़ी सी ज़्यादा आएगी ग्रॉसरी क्योंकि 2-3 महीने से जो चीज़ें नहीं ली थी ना वो चीज़ें भी लेनी है, तो जब वो चीज़ें लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा 100-500 ज़्यादा ही हो जाता है, तो यहाँ पे वही लिस्ट बना रही हूँ, बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, आने को तो मेरी 1 तारीख को ही आ जाती लेकिन इस बार ना मेरी बहुत आलस आया मुझे, तो मैंने ग्रॉसरी की लिस्ट ही नहीं बनाई और ना ही बजट बनाया, आज कर रही हूँ ये सब। और फिर उसके बाद हम दोनों देखने लगे
कि अपना पिछला व्लॉग वही दशहरे वाला यादें करने लगे, भाई की शादी की शॉपिंग और करते थे कार्ड्स और दशहरे पे गई थी ना जब मैं, तो कार्ड और पसंद करने गए थे और बस वही छोटा मोटा बाजार जो बीकानेर का है, दिवाली करवा चौथ का जो लगता है ना वो वाला व्लॉग हम देख रहे थे। फिर शाम को हम गए थे दशहरे में, मम्मी का लहंगा भी पसंद करवाया था और बहुत मज़ा आया था यार, मैं तो बहुत ही मिस करती हूँ पिछले दिनों को। और यहाँ पर दशहरा ग्राउंड में आ गए थे झांकी में और सब देखा था रावण, और इस बार तो कुछ नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हूँ। तो बस वही यादें कर रही थी और फिर बस थोड़ी देर इसके बाद हम बेड पे लेटे और फिर इनसे मैंने बोला यार चाय पिला दो, तो फिर चाय पी ली थी हमने। और ये देखो कबूतर आ गए थे ढेर सारे, तो फिर मैंने कहा चलो शूट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कबूतर आते हैं ना छत पे। तो एक बार तो मैं इनको ऐसे धीरे से ही इनकी वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो ये उड़ जाते। फिर थोड़ा सा मैंने गेट खोल के बनाई थी, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह भी आते हैं ढेर सारे कबूतर छत पे, तो अच्छा लगता है ना कबूतर या कोई पंछी आए छत पे तो बहुत अच्छा लगता है। बस फिर शाम को निकलना था ग्रोसरी लेने के लिए क्योंकि रिलायंस जाना था, और मैं जाऊंगी तो देखो थोड़ा सा ज़्यादा ही लाऊंगी। और इस बार देखो कभी ना थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं अर्न, तो फिर थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई चलो खुले हाथ से ले आते हैं। तो इस वजह से इस बार वाली खुले हाथ से ही लानी थी क्योंकि कई चीज़ें ख़त्म हो गई थी, सूखी लाल मिर्च और बहुत सी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई थी, तो वो नहीं आई थी मेरी पिछले महीने, तो मेरी तबीयत ख़राब थी ना तो इतनी नहीं आ पाई थी ग्रॉसरी इसलिए। सो फिर इस बार ना छोटे मोटे मसाले और बहुत लाने हैं, तो बस यहाँ पे तैयार हो रही थी। हालांकि तैयार हो जाओ लेकिन दिखता कुछ नहीं है मास्क लगाने के बाद। तो बस यहाँ पे साड़ी पहन ली थी, ये वाली साड़ी बहुत हल्की है ना इसलिए मैं पहन ली थी। अभी मैं सोच रही हूँ एक दो ऐसी और ले लूँ यार साड़ियाँ, 250-250 में क्या जाता है। कई लोग पूछते हैं कहाँ से लिए, मैंने लोकल मार्केट से लिए, 250 रुपये की है पता है, बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा हल्की है यार। अभी मैंने अमेजोन में भी देखी है इस टाइप की, तो मैं सोच रही हूँ वो लूँगी। तो फ्रेंड्स अभी निकल रहे हैं ग्रॉसरी लेने के लिए, शाम हो गई है, 5:15 बज गए। बस साड़ी मैंने पहन ली है, ये वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद है और मैं ऐसी और लेना चाहती हूँ, बहुत ही सस्ती है तो और बहुत ही हल्की है, फील ही नहीं होती कि पहनी है। तो बाकी हैवी साड़ियाँ मुझसे नहीं पहनी जाती, तो बस अभी ग्रॉसरी लेके आते हैं, रिलायंस जाना है हमें बाकी, तो वो वाली ग्रॉसरी तो ये ले लेंगे, तो रिलायंस वाली में मैं जा रही हूँ। तो ये कुछ ना कुछ फिर भूल जाते हैं, कुछ उल्टी चीज़ आ जाती है, तो इसलिए और काफ़ी टाइम से गए नहीं तो लेके आते हैं, चलो बाद में मिलते हैं। बस यहाँ पे निकल पड़े थे और वही वाली फीलिंग आ रही थी जैसे पिछले साल आती है ना, और दिवाली सी फीलिंग आने लग गई है अब, है ना। और एक महीने डेढ़ महीने बाद तो दिवाली है ही, तो अच्छा लगता है मार्केट देख के, लेकिन डर भी लगता है यार। अभी गए तो बस ग्लव्स और पहन के गए थे ग्रॉसरी लेने भी, तो इसलिए बस यहाँ पे रिलायंस है एक किस साइड है, मैं जैसे बस जयपुर में एंटर ही करते ना अम्बाबाड़ी और है वहाँ के आगे निकल के उस एरिया को क्या कहते हैं, वहाँ पे है ये बड़ा वाला रिलायंस, रिलायंस स्मार्ट वो वाला है ना, जियो मार्ट वाले से ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन ऐप का मेरे पास स्पेस नहीं था तो फिर यहाँ पे कर ली थी, यहाँ पे वीडियो नहीं ले सकते इसलिए बस शॉपिंग कर ली थी। तो बस वो डाल रहे थे गाड़ी में डालनी थी, तो यहाँ पे ना कार्टून और कट्टे और रखे रहते हैं वो लेके आप डाल लो उस पे और फिर बस ले जाओ, और होम डिलीवरी भी है इसमें। तो बस ये डाल लिया था हम लोगों ने, फिर घर के लिए निकल पड़े थे। और बाकी जो उस शॉप से ग्रॉसरी लेते ना उसमें भी हमें रुकना था, और ऐसे करते करते 6 बजे निकले थे हम, और इन्होंने पूरा टाइम टू टाइम लगा लिया था कि 6:30 तक अपन उधर पहुँच जाएंगे, इतने से इतने अपन वो काम कर लेंगे और इतने से इतने अपन वो वाली ग्रॉसरी ले लेंगे, तो वो वाली भी हमने ली। तो करीब 9 बजे घर हम पहुँचे थे, फिर नहाए धोए फिर खाना बनाया ऐसे। तो इस शॉप से हम सोडाला में, इस शॉप है इससे कुछ सामान मुझे इस शॉप का पसंद है और कुछ रिलायंस का सही रहता है, तो इस वजह से मैं 2 जगह से कर लेती हूँ। तो फिर आने के बाद बस यही बैंगन ढेर सारे ले आए थे, तो बैंगन की सब्ज़ी जो है वो बना रही थी आज, प्लेन बैंगन बना रही। किसी ने मुझे बोला था दीदी भरता बना लो, ढेर सारे बैंगन आ गए, तो ये छोटे छोटे का मुझे ऐसा लगता है कैसे बनेगा इसलिए। तो अभी भी देखो ढेर सारे बैंगन पड़े हैं अभी, ये 2 बार बन चुके, एक बार आलू बैंगन और एक बैंगन आज बन गया, फिर भी ना ढेर सारे बैंगन रखे हैं। तो बस ये हमने बैंगन बनाए, और ईलू को पसंद नहीं है बैंगन, तो थोड़ी सी मेरे पास भिंडी रखी थी, तो ईलू के लिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई। तो फिर रोटियाँ बना ली थी बस, और बस खाना वाना फिर खा लिया था। Oh, oh, oh.
बस यहाँ पे मसालेदानी को भी मैं धो भी लेती हूँ और है ना पोंछ भी लेती हूँ। और जब जैसे 2-3 दिन में जैसे धो लिया फिर एक बार बीच में पोंछ लिया, तो मसालेदानी भी ना बीच बीच में साफ़ करते रहना चाहिए क्योंकि बिखर जाती है ना हम सब्ज़ी और बनाते हैं, तो उसको भी ना साफ़ करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काफ़ी दिनों तक पड़ी रहे, तो ये बीच बीच में मैं साफ़ करती रहती हूँ मसालेदानी भी। ये स्टील वाली भी है मेरे पास, किसने मुझसे बोला था, लेकिन स्टील वाली ना थोड़ा सा मुझे खुलती नहीं है मुझसे इजीली, इसलिए मैंने ये ले रखी है। बस फिर है ना ये डब्बे वब्बे भी आते का है ना धो के और पहुंच गया था कि ग्रॉसरी भरने से पहले ना धो देना चाहिए। तो रात मैं शूट नहीं करूँगी लेकिन डब्बे वब्बे ना मैं धो दूंगी और उसके बाद ही ग्रॉसरी भरूंगी क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे भरनी है, उतने में और ज़्यादा सैनिटाइज होगी। 2 बार तो मैं कर चुकी हूँ यार, बहुत ही अच्छे से करती हूँ फिर भी डर लगता है। तो बस सो फ्रेंड्स अभी रात के कितने बज गए होंगे, 11 बज गई और हम पता है कहाँ बैठे हैं, इस पे मिट्टी के ढेर पे बजरी। पहले जब छोटे थे ना तब बैठते थे ना, जब काम चलता था ना हम लोगों के, तो हम रात तक खेलते रहते थे ऐसे कूद फांद करके। तो ऐसे ही अभी इलू को अच्छा लगा तो मैं पहली बार ऐसे बैठी हूं। हाँ, इसको पहली बार ये फीलिंग आई। तुम बैठते थे है? तुम नहीं बैठते थे, काम हो चला तो नहीं ऐसे नहीं बैठे हम तो खेलते थे बजरी। जब जब कुछ 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 घर पे काम चलता था ना तो मैं शिप्रा क्षितिज हम सब तो बजरी पे चढ़ जाया करते थे और आसपास की कॉलोनी वाले और खेलते थे बच्चे। तो आज हम ऐसे ही बैठ गए और बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि ना जैसलमेर और हमें दोरे होते हैं ना मिट्टी के। ठंडी हो गई है, ठंडी हो गई रात को, मिट्टी ठंडी हो जाती है ना वैसे ही बजरी ठंडी ठंडी हो रही है और अभी ना मौसम भी ठंडा ही हो गया है। तो फिर आराम से बैठ गए, हाँ हम आराम से हाथ पैर धो धा के नहा के ही सोएंगे। तो रेत दिखाओ, टॉप मोस्ट लेयर में बैठे हैं ये पूरी, देखो ऊपर। और इलू कुछ 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 बना रही है इसमें, मजा आ रही है कुछ चलते हुए। ऐसा लग रहा है इसी में सो जाओ। हाँ कितनी ठंडी है, बहुत ही ठंडी है। हाँ इतने दिनों से ये रखी हुई है लेकिन हम टच ही नहीं करते इसको। आज इलू बैठी तो मैंने कहा मैं भी बैठ के बचपन वाली यादें ताजा करूँ। मजा आ रहा है। हाँ उसमें ये रेत वाली घड़ी जो होती है ऐसी तो टाइमर, वो भी DIY बना तो सकते। ये देखिए आपको ग्रॉसरी दिखाई दे रही होगी, पता है मैंने इसको क्या किया, आप लोग सोचोगे हंसोगे कि वैसे सैनिटाइज भी कर दी इसको फिर भी मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने फिर उसको और धो दी और सैनिटाइज कर दी, मतलब पैकेट पैकेट थे ना तो मैंने धो भी डाली पता है। तो फिर ना ये बस सूखेगी करेगी, फिर मैं नेक्स्ट डे दिखा भी दूंगी, वरना 3 दिन इसको है ना अलग कमरे में रखना चाहिए। लेकिन मैं 2-3-4 बार कर देती हूँ तो सैनिटाइज भी कर देती हूँ कई बार, और ऊपर ऊपर पैकेट पैकेट है ना ये, तो फिर मैंने इस पर पता है मुझे थोड़ा सा डर लगा तो मैंने इसको धो भी दिया 2 बार। तो बस आप हंसोगे कि पागल है ये तोरी और है, लेकिन पैकेट पैकेट थे ना इसलिए। तो बस यहाँ पे अंदर ये किचन में ग्रॉसरी मैंने रख दी थी और ये नेक्स्ट डे ही आपको दिखानी भी है क्योंकि कई लोगों की रिक्वेस्ट रहती है। ऐसे कुछ खास नहीं है क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरे पास रखी थी, फिर बस एक विश करके और नहा धो के सोएंगे। इस व्लॉग को एंड करते हैं, बातें जब करती हूँ ना बात करते करते व्लॉग बनाते तो बहुत लंबा चला जाता है इसलिए। तो बस अभी सोएंगे, फिर सुबह देखते हैं वो कलर करने वाले भैया आ जाएंगे तो वो सब फैलना है, तो देखते हैं कल से व्लॉग बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी। बना पाई तो ऐसा जो जो घर में हो रहा होगा ना वो मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो आज व्लॉग एंड करने से पहले एक बर्थडे था हमारी फैमिली मेंबर है उनके बेटे का, तो उनको मैं विश करना चाहूँगी। उनका कमेंट आया था और वो मुझे कश्मीर से देखती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मे बी फर्स्ट कमेंट है सेकंड कमेंट है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जब अलग अलग जगह से कमेंट आते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, देखो विश करने से पहले कल 3 तारीख है तो कल बर्थडे और ये व्लॉग जो है कल जाएगा, तो इसमें मुझे विश करना था।
तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, देखो जो लोग मुझे देखते हैं और उनमें से कुछ लोग ही कमेंट करते हैं, है ना, तो आप लोग मुझे देखते हैं, मेरी बातें सुनते हैं और मैं इस तरीके से आप लोगों से बातें करती हूँ कि आप से एक वो आप लोगों को फील होता होगा कि हाँ मैं आप लोगों से ही बातें करती हूँ, है ना। तो आप लोग मुझे देखकर, मेरी बातें सुनकर आप लोग मुझसे कनेक्ट हैं, है ना, और अपनापन फील होता है। वैसे ही आप लोगों की कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कनेक्शन है। तो जो लोग मुझसे डेली मुझे कमेंट करते हैं, डेली मुझसे बात करते हैं, उनके कमेंट्स नहीं आए ना तो मैं उनको फिर मिस करती हूँ, उनके कमेंट्स अगर बहुत दिनों तक नहीं आए। इसी तरीके से देखते तो और भी लोग हैं लेकिन कमेंट्स कुछ ही आते हैं। तो जो लोग देखते हैं मुझे डेली और कमेंट नहीं करते तो वो मुझे डेली कमेंट किया करें, मुझे बहुत 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 खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जहाँ जहाँ से आप लोग हैं वहाँ वहाँ से मुझे कमेंट कीजिए। अभी मुझे कुछ दिन पहले अमृतसर से आया था कमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा। जगह नई नई जगह पता चलती है कि यहाँ से भी मुझे सब लोग देख रहे हैं, कोई दुबई से देख रहा है, कोई कहीं से, तो वो मुझे अच्छा लगता है। कमेंट किया कीजिए, जो भी मुझे देखता है ना वो कमेंट करे, प्लीज़ 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 कमेंट करे। इसी से तो हमारा कनेक्शन बना रहेगा और जो हमारा एक अलग सा रिलेशन है यूट्यूब के जरिए हम जुड़े हुए हैं, एक फैमिली बने हुए हैं, तो वो मजबूत और ज़्यादा मजबूत होता रहता है। तो कमेंट्स किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जितने भी लोग मुझे देखकर कमेंट करते हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया, और जो लोग बिना कमेंट किए भी मुझे देख रहे हैं उनका भी बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों की कमेंट से ही मैं आप लोगों को पहचानती हूँ, मैं आप लोगों की शक्ल और तो देख नहीं सकती। कुछ लोग जो इंस्टाग्राम में जुड़े हैं उन्हीं को मैं देख पाती हूँ या उन्हीं को मैं बात कर पाती हूँ, लेकिन जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग भी मुझे देखते हैं, और कमेंट जो नहीं करते हैं वो भी मुझे देखते हैं। तो वो कमेंट करेंगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो जो लोग मुझे नहीं देखते हैं, जिन्होंने आज तक एक भी कमेंट मुझे नहीं किया है, वो ज़रूर से मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हमारा एक अलग सा रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। और जब आप लोगों का कमेंट नहीं आएगा तब मैं आप लोगों को मिस करूँगी। जैसे जिन लोगों के डेली कमेंट्स आते हैं वो एक दिन भी मुझे कमेंट नहीं करें ना तो मुझे अधूरापन लगता है कि हाँ आज उनका कमेंट नहीं आया, क्या वो देख नहीं रहे, क्या उनकी तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई, ऐसा मुझे फील होता है। तो कमेंट करो यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो अब विश करते हैं। कश्मीर से हैं बिलाल, और उनका जो निक नेम है शायद हनी है, तो बिलाल को हम हनी बोले, अब घर में उनको हनी बोलते हैं, तो चलो हनी नाम से उन्हें विश करते हैं बच्चे को। तो है अभी नाइलू सो गई है, वरना वो भी विश करती, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी तरफ से हनी को बहुत 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 शुभकामनाएं जन्मदिन की, और हनी के जन्मदिन की उनके मम्मी पापा उनके परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरा ढेर सारा प्यार हनी को। तो विजेता जी ने भी मुझे अपना नाम लेने के लिए बोला था, तो विजेता जी मैंने आपका नाम ले लिया, और उनका बेटा है 2 साल का मयंक, तो उनका नाम लेने के लिए भी बोला था। तो मयंक को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, और कई लोग बोलते हैं मुझे नाम लेने के लिए मैं भूल जाती हूँ। अभी मैंने कमेंट सेक्शन रीड किया ना, तब एक दो चीज़ें मुझे ये बर्थडे वाला पता चला, और बर्थडे का ये है कि आप मुझे एक दिन पहले बताएंगे ना तो हाँ मुझे याद रहेगा, जब मैं चेक करती हूँ ना कमेंट्स तब, और कुछ कमेंट्स स्पैम में चले जाते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता है, और जब वो चेक करती हूँ तो पता चलता है ना। तो कुछ लोगों को अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ इट मीन्स वो कमेंट जो है मेरे पास नहीं पहुँचा है, वरना मैं नेगेटिव कमेंट का भी रिप्लाई करती हूँ तो पॉजिटिव का तो मैं क्यों नहीं करूँगी, है ना। तो इसलिए तो जब भी नहीं मेरा रिप्लाई आए तो या तो मैं बिजी हूँ या फिर स्पैम में चला गया है आपका कमेंट, ये समझिएगा, ठीक है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।